पाइप लाइन जो बिछवाई गई है यहाँ पे, विधायक साहब कह रहे हैं पानी नहीं आता उससे, कुछ नहीं आया, बहुत ज्यादा रहती है, लाइट आती है, लाइट तो आ रही है लेकिन पानी नहीं आ रहा ना, पानी की दिक्कत है। ये मैं कहूंगा रूहानी से दिखाएं, यहाँ देखिए टैंकर किस तरीके से लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाए हुए हैं, घरों के बाहर यहाँ पे टैंकर हैं, प्लास्टिक की केन इन लोगों ने भर भर के रखी हुई है अपने इस्तेमाल के लिए। ये सब पीने का पानी है, क्या पीने का ही है, ये जल बोर्ड के टैंकर से आप लोग लेते हैं? जल बोर्ड के टैंकर से रोज आता है टैंकर, मिलता है पानी टाइम से? पानी तो मिलता है लेकिन क्या करे, बर्तन वगैरह उठाने पड़ते हैं तो दिक्कत तो होती है, काफी दिक्कत होती है बाहर से लेकर आने में। तो यहाँ पे ये उठाते हैं, गैलन वगैरह उठाते हैं, लेके जाते हैं घर तक, बहुत दिक्कत होती है हमारे को। दिल्ली के मुद्दों को ध्यान में रख के आप लोग चुनाव देंगे, जैसे पानी बिजली या फिर देश के मुद्दे आप लोगों की नजर में, क्योंकि बीजेपी घरों के आगे 10-15 कहने पानी की भरी है, पूरी गली में देखो जाके, पैदल का रास्ता से देखो आप, देखो जाकर के पूरी गली के थोड़ा आगे तक, बिल्कुल आगे भी जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आम आदमी पार्टी का इस वक्त कहना है कि हमने बीजेपी जो है लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि नहीं हम आएंगे तो हम, उन्होंने अपना संकल्प पत्र कल जारी किया है, बीजेपी कह रही है कि 2 रुपये किलो आटा देंगे और जो केजरीवाल सरकार की योजनाएं हैं उन्हें जारी रखेंगे, जैसे बिजली फ्री है तो हमारी सरकार आएगी तो बिजली फ्री रहेगी, पानी है पानी लोगों के घरों में और ज़्यादा पहुँचेगा, इस तरीके की योजनाएं बच्चों के लिए जो नौवीं से पानी तो ला के पहुँचाना पड़ रहा है टैंकियों से कहने भर भर के, यहाँ पानी की लाइन नहीं डलनी थी अभी तक, जब तक पास हो चुकी है, पास हो चुकी है लेकिन पानी नहीं आया अभी तक, चालू नहीं हुआ। दो रुपये किलो आटा कर दिया, आज से पहले 25-26 रुपये किलो आटा खा रहे हैं गरीब आदमी, कहाँ से लाएंगे, अब तो घोषणा पत्र में तो 2 रुपये किलो कर दिया, इलेक्शन आ गए तो घोषणा पत्र में 2 रुपये किलो कर दिया। संकल्प पत्र में खैर अब वादा कर रही है बीजेपी कि हम 2 रुपये किलो में देंगे, तो अब 25-26 रुपये किलो आटा ला के खा रहे हैं गरीब आदमी, कहाँ से लाएंगे। चलिए आगे भी देखेंगे, रूहानी है मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, किस तरीके से बोरिंग हो रही है, बोरिंग पे हमारे यहाँ अभी भी है, एक महीने से ऊपर हो गया, 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया ना। देखिए लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा जो परेशानी है इस इलाके में, ये सदर बाजार विधानसभा का इलाका है, मैं फिर से याद दिला दूं, और यहाँ से जो विधायक हैं वो सोमदत्त शर्मा हैं। लोगों का कहना है कि पाइप डले हैं, पहुँचे हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं आ पाया है, अभी भी टैंकर से पानी इन लोगों को लेना पड़ता है, और घरों के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लास्टिक की बड़ी बड़ी केन और ये पीपे इन लोगों ने भर के रखे हैं और इससे ही अपने घर का गुजारा करते हैं, और नहाने धोने का इन सब चीजों का पानी कहाँ से करते हैं? हमारे को बोरिंग का उसका टंकर का भरना पड़ता, टंकर हमारे एक टाइम आता कभी नहीं आता, टंकर आता फिर ढो ढो भरो फिर ले आओ उठा के, हमारे सब कितनी दिक्कत हो रही है, अब पानी बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग की, ज्यादा करके पानी दिक्कत होती है, आपस में लड़ जाते हैं पानी खाती, आपस में लड़ाई हो जाती है, आपस में लड़ाई होती पानी खाती हम लोग। कितना पानी मिलता है, कितना मिलेगा, 2 गैलन पानी मिलेगा, 3 गैलन से ज्यादा से क्या होगा, फिर हम लोग बोरिंग भी नहीं आ रही है, मतलब जितनी आपकी जरूरत है, मान लीजिए एक घर में ज्यादा लोग हैं, नहीं जैसे हमारे बोरिंग चलती है ना तो हमारे को टंकर का पीने को मिल जाए वही बहुत है, और मगर अब बोरिंग भी नहीं चल रही है, कंप्लेंट कर रहा है मगर बोरिंग नहीं चल रही है, और वो कभी आ जा रहे हैं कभी कल आ रहे हैं। कितने दिन से बोरिंग का पानी नहीं आ रहा, कब से नहीं आ रहा, 20 दिन हो गए भैया पानी नहीं आ रहा, 20 दिन से बोरिंग का पानी भी नहीं आ रहा है, मतलब पीने का पानी आपको टैंकर से मिल रहा है लेकिन नहाने धोने के लिए कपड़े धोने के लिए और चीजों के लिए पानी आपको नहीं मिल पा रहा है, टैंकर पे भी भीड़ रहती है। देखिए पानी की समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा बताई जा रही है कि इस इलाके में, खासकर ये सदर बाजार का विधानसभा क्षेत्र है, आनंद पर्वत इलाके में हम लोग मौजूद हैं, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, टैंकर से दूर दूर से लोगों को भर के लाना पड़ता है पीने के लिए पानी, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में हम लोग हैं, और 15-20 दिन से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बोरिंग का पानी भी नहीं आ रहा है, नहाने के लिए कपड़े धोने के लिए घर की और ज़रूरतों के लिए लोगों के पास पानी नहीं है। तालीवालान इलाके में हैं हम लोग, कैमरा पर्सन रूहानी के साथ मैं विपिन, दिल्ली लल्लनटॉप के लिए।